हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिपल एक्सल साइज की कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। और इस कुर्ती की कटिंग हम जो कर रहे हैं, ये कॉलर वाली कुर्ती है, कॉलर नेक है इसकी। और इसका जो फैब्रिक है ये कॉटन का है, और इस साइड इसमें कट वर्क हो रखा है नीचे दामन में, और बीच में इसके थ्रेड की बूटी है, इस प्रकार से ब्लैक कलर का है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज्यादातर जो वीडियोस रहेंगे वो साड़ी के यूज आइडिया ही रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को सीधा करके सिंगल करेंगे, फिर उसको डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड में इतना फोल्ड करेंगे कि हमारे हिप राउंड का हाफ यहाँ पर आ जाए और उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन अलग से हमारे पास बच जाए। तो इतना ये मैंने फोल्ड किया है। लंबाई आपकी जितनी, उसमें 1 इंच ऐड करके वो आप लंबाई पे मार्क कर लीजिए, मुझे पूरी पूरी चाहिए ये। तीरा हमें चाहिएगा 8 इंच, एक मार्क और करेंगे नीचे 8 इंच पर, इस लाइन को सीधा बनाएंगे। फिर हमें आर्म होल्स भी 8 इंच ही चाहिए। अब हमें 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, यहाँ से कॉर्नर पर 1 इंच की गोलाई देंगे और इस प्रकार से आर्म होल्स ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें 14 इंच पे एक मार्क लगाना है जो कि कमर की लंबाई का है, और एक 21 इंच पर लगाना है जो कि हिप का है। चेस्ट के 4th पार्ट पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, कमर के 4th पार्ट पर मार्क कर लेंगे, हिप के 4th पार्ट पर मार्क कर लेंगे, यानी कि 4th हिस्से पर यहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं। और फिर इस लाइन को इस प्रकार से इन सारे डॉट को मिला देंगे। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। फिर हम इस प्रकार से मार्जिन लेते हुए ये लंबी मार्किंग कर लेंगे। गले की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पर नॉर्मल। अगर आपकी कुर्ती की चेस्ट है यानी कि 34-36 इंच है, तो आपको 2 इंच की चौड़ाई, 2 इंच की लंबाई रखनी है। लेकिन यहाँ पर ये 42 इंच की चेस्ट का कुर्ता है, तो हमने 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई रखी है गले की। ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो रही है और कॉर्नर पर इस प्रकार से हमने 1/2 इंच की गोलाई दे दी है। ये कुर्ती की फ्रंट पार्ट है, ठीक है। फिर हम इस प्रकार से इसकी कटिंग कर लेंगे आउटलाइन से, जहाँ पर हमने मार्किंग की है। आर्म होल्स का सिर्फ निशान लगाएंगे 1 इंच अंदर की साइड, कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। डबल फोल्ड रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। पीछे वाले गले की लंबाई हम सिर्फ 1 इंच की रखेंगे और चौड़ाई आगे वाले गले के बराबर रखेंगे। आउटलाइन से इस प्रकार से इसको भी हम कट कर लेंगे। कहीं पर भी आप कंफ्यूज होते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगी। अब देखिए, हम आगे वाले आर्म होल्स की कटिंग इस प्रकार से कर लेते हैं। पीछे वाली कुर्ती को मैंने, पीछे वाले पार्ट को मैंने निकाल दिया था। अब जहाँ पर हमारी फिटिंग की मार्किंग है वहाँ पर डॉट बना लिए हैं, और इस प्रकार से ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो जाती है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें 4th पार्ट में चाहिएगा ये, इस प्रकार 4 फोल्ड कर लिया मैंने। स्लीव्स की जो लंबाई है आपकी, उसमें आपको 1 इंच ऐड करके फिर यहाँ पर मार्क करना है, 3 इंच यहाँ पर आपको डाउन करना है। फिर यहाँ पर हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और नीचे की साइड 2 इंच पे एक निशान यहाँ पर लगाएंगे, और इस कपड़े की चौड़ाई है 9 इंच 4 फोल्ड में। इस निशान को यहाँ पर इस प्रकार से मिला देंगे दूसरे निशान से। तो आर्म होल से ड्रॉ करने का ही सबसे आसान तरीका है। इसकी मोरी है 6 इंच, तो 6 इंच पे मार्क कर लिया है और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए अलग से ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे आउटलाइन से। अब इसको हम फैलाएंगे, आगे वाले आर्म होल्स की 1/2 इंच कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से हमारी कुर्ती की कटिंग हो जाती है। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।